राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के अंदर दलालों का बोलबाला है। जी हां, मामला राजधानी दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल का है, जहां पर इलाज के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर नज़र आते हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कैमरे पर लोगों ने जानकारी दी कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि तकरीबन सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं और जब हमने तस्वीरें ली तब तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। लोगों ने बताया कि अभी तक लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और 11 बजे के दरवाजे और खिड़की जो है वो बंद हो जाती हैं, जिससे कि उनको सुविधा नहीं मिल पाती। सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये का बिल भी दिखाया जाता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, जहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ज़मीनी हकीकत वह बयां कर रही है। और लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर दलाल, आपको इलाज कराना है, पर्ची कटानी है, तो उसके नाम पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ, पैसे के नाम पर यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी और आपको पर्ची मिल जाएगी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर देखिए लोग इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, एक लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से अस्पताल के अंदर लंबी कतार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता। बहरहाल लोगों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अस्पताल में आकर किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन से भी हमने बात की तो उन्होंने क्या दलील दी वो भी आप सुनिएगा। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आरसो न्यूज़ को आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहाँ पर सबसे पहले सबसे सटीक आरसो न्यूज़ की तमाम खबरें आपको मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। मेरा नाम राधा है। राधा, मैं कौन सी जगह मौजूद है, क्या परेशानी? भैया मैं पहली बार आई हूँ यहाँ दिल्ली पे, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में, ठीक है ना। मेरी बहू बेटे यहाँ पे रहते हैं, मैं सुबह 5 बजे से वहाँ घर से निकली, 6 बजे यहाँ पे लाइन में लगी हूँ। जब से बहू को देखो गार्ड ने धक्का मार के भगा, इसकी क्या हिम्मत है मारने का, क्यों बताओ जनानी का। मेरी बहू को दो दिन से उसको दर्द हो रहा है, 2 दिन से उसको बच्चे के दर्द हो रहा है, बताओ उसको पहले लेना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसको बस दर्द हो रहा है, बहू को हाँ भगाया जा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पैसा नहीं देंगे तो क्या हमारे बहू को इलाज नहीं होगा है? इनका क्या हिम्मत है कि ऐसे मतलब बहू को मेरे धक्का मारेंगे ऐसा। नाम बताएं अपना। सोनू। सोनू, क्या परेशानी है, कौन सी जगह आप हैं, बताएं। मैं संजय गांधी हूँ मंगोलपुरी में, यहाँ नंबर लगाने के लिए 100 रुपया दो तो पर्ची कटेगा, फिर खून जांच कराओ तो 100 रुपया दो, फिर खून जांच होगा, फिर पेशाब जांच कराओ तो फिर वहाँ 200 रुपया दो, फिर पेशाब जांच होगा, नहीं तो पूरे दिन लगे रहो, वापस जाओ। कब से आप खड़े हैं? मैं तो सुबह 4 बजे से खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं कटा मेरा, नंबर आया नहीं। क्या परेशानी है? डिलीवरी वाली बहू को लेके आई हूँ, अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कराने के लिए, फिर बोली यहाँ लाने के लिए, प्राइवेट से करवाने के लिए, प्राइवेट में करवाने के लिए 3700 रुपये का पड़ रहा था। एक बात बताना, जिसके पास नहीं है तो उसके बाल बच्चे नहीं होंगे क्या? फिर आज बोला कि से अगले हफ्ते की से फिर जा करके लेके करवा के आओ, 1 महीने बाद फिर नहीं हुआ। जांच की फैसिलिटी तो फ्री दी जा रही है हॉस्पिटल में। एक अल्ट्रासाउंड कर दिया, एक पहले भी अल्ट्रासाउंड हमने जो है से प्राइवेट करवाई दिया, फिर प्राइवेट बार बार, तो कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? फैसिलिटी नहीं मिल रही, कहाँ मिल रही है फैसिलिटी, एक बात बताना। अगर फैसिलिटी मिलती होती तो इतने धक्के खाने के लिए यहाँ पर भीड़ में पूरे दिन खराब करके थोड़े तो रहते हैं, बताइए।
अगर अंदर जाने के लिए क्या प्रोसीजर है? अंदर जाने के लिए ये प्रोसेस है कि जाने को मिलता ही नहीं है, वो स्टाफ के बंदे होते हैं, 100-100 रुपया देते हैं, वो चले जाते हैं। अब सुबह 6 बजे से हम लोग लाइन लगा जाते हैं, मतलब पैसे की धांधली भी। और क्या, जिनके जानने वाले वो भी नहीं, जिनके स्टाफ हैं वो अपने भाई बंदे वो भी नहीं, बेचारे ले जाते हैं, बाकी जो उनके हैं बायली वो ले जाते हैं, क्या करें, बाकी तो मजबूर है इंसान। पैसा है सुबह में आती हूँ, अभी मेरा काम नहीं होता, अभी तक मैं ऐसी लाइन में लगी हूँ। नाम बताएं? नाम मेरा रंजीता है। रंजीता, कौन सी जगह मौजूद है, क्या परेशानी है? मैं संजय हॉस्पिटल में। क्या परेशानी है? परेशानी है, सुबह सुबह से 5 बजे से लगी हूँ लाइन में, अभी तक काम नहीं हुआ, यही परेशानी है। कितनी दिक्कत हो रही है इसकी? तो आपके सामने है भैया, दिक्कत तो आप तो खुद ही देख रहे हो, बताने की जरूरत है ही नहीं। कितने तकरीबन कितने लोग हैं जो लाइन के अंदर? धक्का मुक्की चोट लगता है, धक्के खाते हैं, तभी भी काम नहीं बनता है। और जो बोलते हैं उनका काम कहते हैं कि इसको देखते हैं कैसे काम कर लेती है, देखते हैं इसको कैसे काम हो जाता है। ये देखो गेट लगा, देख लो। नाम बताएं अपना। मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, कौन सी जगह आप मौजूद है, क्या परेशानी हो रही है? हम सुल्तानपुरी में संजय गांधी हॉस्पिटल में है, मंगोलपुरी। यहाँ पर सारे काम ना पैसे लेके हो रहे, 50-50 रुपए में अपनी है ना इज्जत दिखाई जा रही है। और जो लेडी से 5 बजे से 4 बजे से लगी हुई है लाइन में, वो बाहर खड़ी हैं, और जिन्होंने पैसे दिए मेकअप करके आई हैं, उनकी शक्ल देख देख के अंदर घुसाया जा रहा है। और यहाँ सारे काम फेस देख के, और जो आदमी यहाँ पर आते हैं उनको अंदर लिया जाता है, जो कहते हैं हमारी यहाँ चलती है। हम लोग 6 बजे के यहाँ आए, अभी तक हमारा कोई नंबर नहीं आया। सर, हॉस्पिटल के अंदर जो है लोगों का आरोप है कि कई दिन से पर्ची नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और अव्यवस्था का आलम फैला हुआ चारों तरफ, कंप्यूटर खराब बता रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंप्यूटर खराब नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है कि ये जो IPD और OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ये इसका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था एक वेंडर के साथ, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ख़त्म। हम किसी दूसरे अस्पताल के रेट कॉन्ट्रैक्ट पे इनसे काम ले रहे थे, और वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स नहीं दे रहे हैं, और जो हमारी अपनी फाइल है वो अभी अप्रूवल होके आ नहीं रही है, तो इसलिए हम उनसे आगे, क्योंकि हमारे पास अप्रूवल नहीं है तो हम उनसे काम नहीं ले सकते थे। उन्हीं के वेंडर के ही एम्प्लॉइज, उन्हीं के कंप्यूटर सिस्टम वो सब लगे हुए थे, और कल तक वो काम किया। अब क्योंकि हमारे पास कोई अप्रूवल नहीं है, हम उनको सैलरी नहीं दे सकते, रेट उनका एक्सपायर हो चुका है, तो इसलिए हम अपनी मैन पावर से, अस्पताल की मैन पावर से वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और सारे के सारे काउंटर चल रहे हैं। हर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 2 लोग बिठाए हमने, जो एक रजिस्टर पे एंट्री कर रहा है और एक उस पे कार्ड पे एंट्री कर रहा है। तो क्योंकि आज से शुरुआत हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत आई है शुरू में 1-2 घंटा, पर अब स्मूथ चल रहा है, और हमने बल्कि उसके जो टाइमिंग्स हैं वो भी बढ़ा दिए हैं, कि पहले 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता था, अब आज 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी मरीज आएगा उन सबका रजिस्ट्रेशन होगा और सबको देखा जाएगा और भेजा जाएगा। पूरी तरीके से सर हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है वो ऊपर हायर अथॉरिटीज को भेजी हुई है, जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाएगी टेंडर करने की, हम अपना टेंडर करके जैम पे हम नए वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, तो फिर वो हालात पहले जैसे सुधर जाएंगे। अगर इसमें भी लेट होता है तो फिर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम लेके उसको कंप्यूटराइज करने की भी कोशिश करेंगे।